चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो पीसीबी की तरफ से आईसीसी को एक ड्राफ्ट स्केड्यूल दे दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने उस स्केड्यूल को बनाया है जो कि पहले 15 मैचों का है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम जो कि खेलती हुई नज़र आएगी, और यहाँ पर पाकिस्तान में इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा आयोजित कराने वाला एक मेजर टूर्नामेंट है 1996 के बाद। तो अब अगर इस पूरी खबर पर अगर एक बार फिर आपको बताएं, तो सबसे पहली अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जो स्केड्यूल रखा है वो 19 फरवरी से 9 मार्च तक का रखा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है, अगर फाइनल में किसी तरीके से बारिश आती है तो फिर उसके बाद 10 मार्च को रिजर्व डे के दिन जा सकता है। अब ऐसे में आईसीसी को उन्होंने ड्राफ्ट स्केड्यूल दे दिया है, जिसमें 15 मैचों का स्केड्यूल भी दिया है। और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि 1 मार्च को लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित किया गया है पीसीबी के द्वारा, जो कि लाहौर में है सुरक्षा कारणों की वजह से। अब ऐसे में बीसीसीआई की क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, और वहीं अगर देखा जाए तो आईसीसी की भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। आईसीसी अब इस स्केड्यूल को किस तरीके से मैनेज करेगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम ने अपना जो ड्राफ्ट स्केड्यूल है वो दे दिया है, अब आईसीसी मैनेज करेगी किस तरीके से करेगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब इसमें बीसीसीआई की क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई सबसे पहले क्या पाकिस्तान जाएगी या नहीं, और दूसरी बात अगर पाकिस्तान जाए भी तो फिर क्या लाहौर में जो मैच खेला जाएगा 1 मार्च को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, वहाँ पर खेलती हुई नज़र आएगी या नहीं, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। इस पर तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।